मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े एक पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए हमला बोला और कृषि बिल वापस लेने की मांग उठाई। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा उन पर व्यक्तिगत बेहद आपत्तिजनक बयान देने की जैसे होड़ से मची हुई है। ताजा मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अम्बेडकर पार्क से सामने आया है। दरअसल आज कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। कार्यकर्ताओं ने उस किसानों को नमन किया जिनकी मौत दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान हुई है। सभा के दौरान पार्टी के पदाधिकारी विक्रम सिंह ने पहले तो कृषि बिल वापस लेने की बात कही, लेकिन इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ है और देश का प्रधानमंत्री मुकेश अम्बानी की बेगम बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश के पैमाने पर, वहाँ जो किसान मारे शहीद हुए हैं, जो ठंड में मरे हैं और अपने प्राणों की आहुति दी है, उन तमाम किसानों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से। तो यहाँ उत्तर प्रदेश किसान सभा की ओर से यहाँ अम्बेडकर पार्क में आज ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और हम उन तमाम किसानों की मांगों के साथ समर्थन देते हुए उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस किसान आंदोलन में दी है। और सरकार के कानों पर जू नहीं रह रही कि लोग ठंड में वहाँ मर रहे हैं, किसान पूरे देश का अन्नदाता वहाँ पड़ा हुआ है बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, और इस देश का प्रधानमंत्री मुकेश अम्बानी की बेगम के साथ, उसकी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, तफरी मार रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उस आंदोलन के साथ अपनी पूरी एकजुटता का इजहार करते हैं कि उन आंदोलन के साथ, और उन कृषि कानूनों को अविलंब सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें वापस ले। और हम इस देश के राष्ट्रपति से भी मांग करते हैं कि जो संविधान में उसे अधिकार दिए गए हैं कि उसकी एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वो सरकार को दिशा निर्देश दे और इन कानून काले कानूनों को जो कृषि विरोधी कानून है उनको अविलंब रद्द करने की मांग हम देश के राष्ट्रपति से करते हैं। क्या नाम आपका? विक्रम सिंह। क्या पद है आपका? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का कार्यकर्ता।